आईसीसी सीमेंट फैक्ट्री में ढुलाई में लगे ट्रक ऑपरेटरों ने आज बिलासपुर में जिलाधीश कार्यालय तक रोष मार्च निकाला और उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। ट्रक ऑपरेटर यूनियन बीडीटीएस के अध्यक्ष जीतराम गौतम ने कहा कि ज्ञापन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस सारे मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और एसीसी प्लांट को खुलवाने की मांग की गई है। ये रोष रैली का मतलब है कि चंद दिन पहले अपना जो अदानी ग्रुप है उसने एसीसी को भी खरीदा है और अंबुजा को भी खरीद लिया है और उसने आकर हिमाचल में दोनों फैक्ट्रियों में तालाबंदी कर दी है। हमारा रोष है कि फैक्ट्री को चलाया जाए और ये हमारा व्यवसाय जो है उसको सुचारू रूप से चालू किया जाए। ये नहीं होता है तो हम इससे भी ज़्यादा रोष प्रकट करेंगे और सरकार से डिमांड करेंगे कि इस ग्रुप को इस फैक्ट्री इन दोनों फैक्ट्रियों को अपने हाथ में लेकर स्वयं चलाएं ताकि लोगों का जो ये व्यवसाय है ये सुचारू रूप से चलता रहे, हमारी आजीविका हमें मिलती रहे। एसीसी बरमाणा में तालाबंदी के चलते 4000 ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं और 300 कर्मचारी व 700 अनुबंध कर्मचारी भी घर बैठने को मजबूर हैं।